क्वाड्रेटिक बेसिक मैथ्स जिसका थोड़ा सा भी वीक होगा ना, यहाँ पे एक्स का पावर 2 है, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक में हम लोग पढ़ते हैं ना कि एक्स का मैक्सिमम पावर जितना है तो उतने वैल्यूज पॉसिबल है, तो यहाँ पे प्लस 2 और माइनस 2 दोनों होगा तो इसका आंसर बोथ होता। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि लॉग 10 का वैल्यू 1 है, ये तो सभी को ऑलमोस्ट पता होगा कि लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट में अगर बोलूँ मैं बेस अगर 4 ले लूँ ना तो लॉग बेस ऑफ 4 का 10 का वैल्यू 1 नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साइम रेयान, मैं फर्स्ट ईयर बीडीए स्टूडेंट नॉर्थ बंगाल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से। स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस, जो कि एक चैप्टर है फिजिक्स का। अगर आप न्यू है मेरे इस चैनल में तो अगर आप मेरे इससे पिछले वीडियो देखे होंगे जहाँ मैंने एक 9 मंथ्स का प्लान, जैसे कि आज 11 अगस्त है और हमारा नीट जो अगले साल होगा 2025 में वो 4 मई 2025 को होगा, तो अभी से ना आपका 9 महीना का जो ड्यूरेशन है ना, तो मैंने उसके लिए एक प्लानर बताया था कि आपको कितने महीने रिवाइज करने, कितने महीने में सिलेबस कंप्लीट करना और कितने महीने में बैकलॉग्स कंप्लीट करने हैं, और सब कुछ बताया था कि कौन से मॉड्यूल, कौन से टेस्ट, कैसे आपको प्रिप करना है, कहाँ से क्वेश्चंस लगाने हैं। तो उस वीडियो में हमारे 1 के सब्सक्राइबर्स नहीं हुए थे, तो मैंने ये कहा था कि जब हमारे कंप्लीट होंगे ना तो मैं एक फिजिक्स के ह्यूरिस्टिक सीरीज करूंगा, क्योंकि मैं जब प्रिप करता था ना तो मैंने अविनाश शर्मा के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के ह्यूरिस्टिक सीरीज किए थे, एंड बायो के भी कुछ बहुत ऐसे यूट्यूबर्स थे जो अपने एक सीरीज टाइप के डालते थे और वो काफ़ी बेनिफिशियल होता था। मैंने फिजिक्स के लिए भी देखा था बट मुझे ऐसा ना कुछ मिला नहीं था ऐसा टाइप का, तो मुझे मेरे प्रिप में मैंने बहुत खोजा था, तो मैंने सोचा था कि जब मेरा हो जाएगा ना इंशाल्लाह से तो मैं फिर वो सीरीज बनाऊंगा ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा होगा कि हम जो यकीन 2.0 बैच है ना, जो मोस्टली सब फॉलो कर रहे हैं इस ईयर के लिए पीडब्ल्यू बैच के लिए, तो एमआर सर के यकीन 2.0 2025 के हम लोग लेक्चर्स की एक बेसिकली एक समरी देंगे, क्योंकि आप भी जानते हो कि टाइम इतना नहीं है ना कि सब कुछ हम लोग डिटेल वे में कर सके। मैंने ये चीज़ भी उस वीडियो में बताया था कि कैसे आप टाइम मैनेज कर सकते हो, क्योंकि सारे अगर आप बेसिक मैथ्स के लिए देखोगे ना तो एमआर सर ने टोटल 13 लेक्चर्स में कराए थे और हर एक लेक्चर्स का ड्यूरेशन ऑन एंड आउट 2 घंटे का रहता है, तो 25 आवर्स का कंटेंट अगर आप देखोगे तो वो अगर आपको कंप्लीट करने में आराम से 3-4 दिन लग जाएंगे, तो इतने टाइम नहीं है हमारे पास। अगर आप चाहते हो कि आप रिवाइज कर सको, बैकलॉग क्लियर कर सको, तो आपको ना बहुत एक डिटेल्ड वे में, एक मॉडिफाइड वे में आपको अपना प्रिपरेशन करना होगा, सिलेक्टिव वे में आपको स्टडी करना होगा। तो मैंने उसी के लिए ना बेसिकली एक शॉर्ट सीरीज लाया, मैं उसी का कंटेंट ना उसी के जो सर का जो नोट्स रहता है, सर जो पढ़ाते हैं, इनफैक्ट जो एग्जैक्ट जो हमें पीपीटी मिलता है ना, मैं उसी से मेन क्वेश्चंस हटाकर मैं सबको आपको ना डेटा दे दूंगा और सारे जो कंसेप्ट सर पढ़ाए हैं उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कर सकूंगा, ताकि अगर आप लेक्चर्स देख लो तो आपको रिवीजन में बहुत आसानी होगा इस सीरीज के थ्रू। तो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर आपको देख रहा होगा, मैं बता दूं कि मैं अपने नोट्स कैसे बनाता था, मैं अपने आईपैड में पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले जो हमें नोट्स मिलते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो फिजिक्स वाला के, हर एक लेक्चर्स के बाद सर लोग जो स्लाइड्स में पढ़ाते हैं यहाँ पर वो नोट्स दिख रहा है आपको, तो वो नोट्स को ना यहाँ पर आप देखिए ऊपर में डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, तो मैं वहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। और ये डाउनलोड करने के बाद ना मैं क्या करता हूँ, जैसे ये 13 लेक्चर्स है ना, तो मैंने 13 लेक्चर्स डाउनलोड किया और फिर मैंने ना सबका स्क्रीनशॉट लेकर एक पीडीएफ में कंपाइल कर लिया, क्योंकि हर एक स्लाइड तो एक लैंडस्केप मोड में रहता है, तो आप स्क्रीनशॉट लोगे ना तो वो 2-3 स्लाइड आ जाएगा। तो ऐसे स्क्रीनशॉट लेके मैं पूरा वो पीडीएफ कंपाइल किया सारे इस चैप्टर का 13 लेक्चर्स का जो नोट्स है, और फिर आपको भी पता है ये हमें मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म ब्लैक फॉर्म में रहता है ना, तो मैं उसे इन्वर्ट कर लेता हूँ। इन्वर्ट करने के बाद क्या होता है ना, आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, आप ये नॉर्मल स्किल पे देखिए, तो ये एग्जैक्ट वही लेक्चर है जिसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, जिसके कुछ पार्ट। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपने यकीन 2.0 का वो जो लेक्चर है हमारे सर का पूरा बेसिक मैथ्स का, तो आप जानते होंगे कि स्टार्ट यहीं से हुआ, और ये देखिए ये सर की हैंड राइटिंग है, बेसिकली ये सर के नोट्स है, मैं बस इन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या होता है ना नोट्स अब बनाने को मेरे को, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको भी पता हो जितना लेक्चर्स में आपको टाइम लगता है, आप चाहे 2x में देखो, 1.75x में देखो, फिर भी अगर आप लेक्चर्स देख रहे हो और नोट्स बना रहे हो तो आपको बहुत टाइम कंज्यूम होता है। तो मुझे यहाँ पे लगता था कि मुझे ये जब आईपैड गिफ्ट मिला था तो मुझे ये लगता था कि हाँ यहाँ पर मेरा टाइम सेव हो जाता था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ आप देख सकते हो मेरे पास ये नोट्स हैं। तो मैं जैसे ये तो इस ईयर मैंने ये नोट्स नहीं बनाए, बट लास्ट ईयर का मैं बता रहा हूँ, ये अमन सर का लक्ष्य नीट बैच का नोट्स है। तो ये जब मैं वो पीपीटी बना लेता था इन्वर्ट करके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि इस नोट्स में भी एडिशनल मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो सर बताते हैं क्लास में, नोट्स में नहीं रहता बट कुछ रिकॉल करने के लिए या फिर ये क्यू रहता है ना, तो वो चीज़ भी मैं लिख लेता हूँ अपने हर एक नोट्स में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का, और ये लक्ष्य नीट बैच का अमन सर का नोट्स है। तो इस वे में ना मेरा नोट्स लेक्चर्स के साथ साथ मेरे नोट्स बहुत जल्दी हो जाता है, और इस वे में बहुत मेरा क्विक सिलेबस कवर हो जाता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको इतने हेक्टिक प्रोसेस से नहीं जाना होगा, मैं सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मेरा भी कोई टेलीग्राम चैनल है नहीं, मैं सोच रहा हूँ जल्दी ओपन करूँ, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वो गूगल ड्राइव का, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो में बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस, वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। तो
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलेशन, ये हमारे फिजिक्स ह्यूरिस्टिक सीरीज है। और ये चीज़ जिस सर के, ये देखिए ये सर ही का दिया होगा कि इस बेसिक मैथ्स के चैप्टर्स में भी ना बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जो सर ने कवर कराए हैं। हम हर एक टॉपिक को जल्दी से समरी वाइज में अच्छे से रिवाइज करेंगे। और ये पहला फर्स्ट पार्ट है। मैं आपका रिस्पॉन्स देखना चाहता हूँ कि आपको ये मेथड सही लग रहा है या फिर आप कुछ और मॉडिफिकेशन करके करने बोलोगे तो मैं वो भी कर दूँगा। तो इस वीडियो में ये टोटल बेसिक मैथ्स में इतने सारे सब टॉपिक्स हैं। इस वीडियो में हम लोग बेसिक कैलकुलेशन जिसमें पावर वो सब आता है वो कवर करेंगे, लॉगरिथम कवर करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री कवर करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको पता होगा ना, इसका एप्लीकेशन फिजिक्स के हर एक चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये इसमें आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है ना, आप हर एक जगह अटकोगे। आप इसमें अटकोगे, SHM में अटकोगे, आप काइनेमेटिक्स में अटकोगे, तो हर एक जगह पर ना आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो हम लोग वही चीज़, उसके बाद ग्राफ है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पावर पे हम लोग आते हैं। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं ना, ये सर के स्लाइड्स के कटआउट्स है। इसी को हम लोग ना, इसी को मैंने सर जो पढ़ाए हैं 2 घंटे के लेक्चर में, इसी को मैंने मॉडिफाई करके ना, मैं आपको ये 1-2 पेज में आपको पूरा वो टॉपिक समझा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सर के लेक्चर्स मत देखो। अगर आपका बेसिक में थोड़ा सा भी कंसेप्चुअल एरर है तो आप सर के वीडियोस पूरे डिटेल में देखो, उसके बाद आप ये सीरीज देखो, आपको A to Z पूरा समझ आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। ठीक है, तो पावर कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ लेते हैं। तो एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 हैज़ वैल्यू 1। कोई भी नंबर, कोई सा भी नंबर हो, अगर उसका पावर में 0 रहेगा, चाहे वो 2 का पावर 0 हो, 3 का पावर 0 हो या 1 का पावर 0 हो, तो उसका वैल्यू होगा 1 ही होगा। अब जो जिसके जिसके बेस, जो एक बेस रहता है और उसके ऊपर जो रहता है ना, उसको हम लोग पावर बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी है, कुछ याद रखें, लॉगरिथम में इसका यूज़ होगा। अब देखिए नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट, बहुत बार होता है ना कि पावर में नेगेटिव वैल्यू होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 3 to the power -1। तो इसका क्या होता है प्रॉपर्टीज में, हम लोग ये 1/3 का पावर x, जो अगर आप ये माइनस का पावर को प्लस करोगे ना तो वो इनवर्स में आ जाएगा। नेक्स्ट आप पढ़ोगे प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी, कि अगर कोई भी बेस है x का पावर n है और x का पावर m है, तो अगर आप बेस को कॉमन करोगे, एक से ज्यादा रखना, ओनली ये प्रॉपर्टी आप तभी यूज करोगे जब दोनों का बेस सेम हो। अगर दोनों का बेस सेम होगा तब आप बेस को कॉमन लेना और ऊपर का जो मल्टीप्लाई हो रहा पावर उसको ऐड कर देना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है 3 का पावर 3 × 3 का पावर 2, तो बेस सेम है क्योंकि, तो मैंने बेस सेम लिख लिया और 3 और 2 को प्लस करके 3 का पावर 5 कर लिया। आप यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हो, 27 × 9 = 243 होता है। अब सेकेंड, चौथा नंबर पे आपका डिवीजन प्रॉपर्टी, अगेन इसके लिए भी आपका बेस सेम होना चाहिए। तो वही लिखा है, ओनली व्हेन बेस इज सेम, x^n / x^n, तो बेस सेम हो जाएगा और जो नीचे में रहेगा ना वो माइनस साइन के साथ आ जाएगा, n-m। अगर ये हम लोग पावर में पढ़ते हैं ना कि ये ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, जैसे कि हमने नेगेटिव वैल्यू में पढ़ा है। ठीक है, ये भी मैंने एक एग्जांपल के थ्रू बताया, आप समझ लोगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पावर ऑफ एक्सपोनेंट की, एक्सपोनेंट के पावर में भी पावर है, जैसे कि x का पावर n है और उसका होल पावर m है। तो ये समझ लीजिए ना, ये एक मॉडिफाइड प्रोडक्ट रूल है। इसका अगर आप प्रॉपर्टी देखोगे तो एक्स का पावर एन मल्टीप्लाइड बाई एम हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, आपको समझ आएगा। जैसे है 2 का पावर 3 और उसका होल क्यूब है। ठीक है, अब आप 2 का पावर 3 का होल क्यूब, मतलब 2 का पावर 3 3 बार आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ये मैथ्स है। तो 2 का, अब ये तीनों में देखोगे ना, आपका बेस 2 है और ऊपर पावर 3 है, तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट रूल हमने पढ़ा था कि ऊपर अगर बेस सेम हो और ऊपर जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको ऐड कर देते, तो ये 3 + 3 + 3 कर देंगे, तो 2 का पावर 3 + 3 + 3 2 का पावर 9 हो जाएगा। तो ये पावर का भी पावर वाला प्रॉपर्टी हुआ। अब एक आ जाते हैं ना फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, ये पावर वाले ही रूल है, बस इसमें क्या होता है ना कि ऊपर फ्रैक्शन में रहता है। जैसे n, x का पावर n बाई 2 है, तो x का पावर n इंटू 1/2। ठीक है, तो अब x का पावर n 1/2 को जैसे कि आप जानते हैं स्क्वायर रूट हो जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। ये बस एक पावर रूल ही है, बस ये स्क्वायर रूट या फिर फ्रैक्शन के लिए दिया हुआ है। अब कुछ बेसिक नॉलेज जो आपको रिमेंबर याद रखना पड़ेगा पावर, ये वाले केस में आपको ये पता ही होगा कि एनीथिंग टू द पावर 0 1 है, ये मैंने बता दिया, और एनीथिंग टू द पावर 1 सेम नंबर होता है, 3 का पावर 1 3 हो जाएगा, 4 का पावर 1 4 हो जाएगा, x का पावर 1 x हो जाएगा। अब कुछ न्यू है जो इनफैक्ट मैं भी अभी लेक्चर देख रहा था तब मुझे पता चला कि x का पावर इन्फिनिटी रहेगा तो इन्फिनिटी, ये तो लॉजिक, मतलब ये लॉजिक रखता, बट x का पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू 0 हो जाता है। यहाँ पे देखिए x का पावर माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ऑफ कॉम्पोनेंट लगेगा, तो 1/x^∞ हो गया, और नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट से एनीथिंग 1/x^∞∞ हो गया, 1/∞ क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो ये स्लाइड होप सो आपको पूरा समझ आया होगा। अब एक और एक ये है जिसको हम लोग एक्सपेंशन रूल बोलते हैं। जैसे कि आप जानते हो ना, कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई में रहता है उसको आप इक्वल्स टू साइन के उधर देते हो तो वो डिवाइड में आ जाता है, और कुछ डिवाइड में रहता है तो उधर मल्टीप्लाई हो जाता है और प्लस माइनस हो जाता है। तो सेम चीज़ जब पावर इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा ना तो वो 1/ के फॉर्म में आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंशन रूल, एक्स का पावर एन दिया हुआ ना वाई, तो एक्स अगर लिखेंगे पावर को उधर भेजेंगे तो वो 1/n हो जाएगा। आप एग्जांपल से देखो, एक्स क्यूब का वैल्यू है 64, तो एक्स का वैल्यू 64, ये जो 3 है वहाँ जाएगा ना, तो ये 1/3 हो जाएगा, तो ये क्यूब रूट ऑफ 64 होकर के एक्स का वैल्यू 4 आएगा। ठीक है, अब ये आप देख सकते,
सबसे पहले आप स्टैंडर्ड यूनिट्स देखो, देखो बहुत सारे ना टर्म्स होंगे, जैसे मान लो हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ ठीक है कि वो कोई भी एक इंसान है वो मेरे से 1 मीटर दूर बैठा है, बट अगर आप रेडियस ऑफ अर्थ निकालोगे ना तो आप वो मीटर में नहीं बता सकते, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6400 किलोमीटर है। अब किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप बार बार क्या बोलोगे, 6400000 मीटर, ऐसे तो नहीं करोगे ना, तो आप टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हो जिसमें आपका किलोमीटर, उसके बाद फिर आपका मेगामीटर, ऐसे करके सब कुछ टर्मिनोलॉजी होता है। तो आइए, और ये चीज़ पूरे फिजिक्स में आपको यूज़ आएगा, तो ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा पढ़ देते हैं। अब शॉर्ट मेजरमेंट जो मीटर से बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि मिलीमीटर, सब जानते हो 1 मिलीमीटर कितना होता है, 1/10,000 मीटर होता है, तो 10^-3 मीटर। माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर आपका होता है 10^-6। 1 नैनोमीटर होता है 10^-9 मीटर। 1 पिकोमीटर होता है 10^-12 मीटर। और 1 फर्मीमीटर होता है 10^-15 फर्मी, ठीक है। अब ये याद रखना कि 1 फर्मी जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे सिलेबस में, क्योंकि ये जो फर्मी होता है ना, जैसे मिलीमीटर हम लोग स्केल का एक यूनिट होता है, तो ये जो फर्मी होता है ना, ये रेडियस, हम लोग का जो एटम होता है उसका न्यूक्लियाई कितना छोटा होता है, उसका रेडियस किसके टर्म से मेजर होता है, फर्मी के। तो ये हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट है इन आवर सिलेबस, ठीक है। अब एक कन्वर्शन याद रखना, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं कि एक एंगस्ट्रम क्या होता है, वो 10^-10 मीटर होता है। तो ये जो आपका चैप्टर है ना एटम्स ऑफ न्यूक्लियस, इसमें यहाँ पे बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि जितने भी हमें गिवन रहेंगे ना डेटा वो एंगस्ट्रम में रहेंगे, और उसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए। अब ये तो सारे शॉर्ट टर्म मेजरमेंट्स था, थोड़े मैक्रो मेजरमेंट जो मीटर से ज़्यादा बड़े होते हैं, या फिर यहाँ पे मैंने जूल से समझाया कि 1 किलो जूल कितना होता है, वो 1000 जूल होता है, ठीक है। जैसे किलोमीटर, अगर यहाँ पे किलोमीटर रहता तो 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। तो वहाँ पे, यहाँ पे 1 मेगा जूल है तो वो 10^6 जूल हो गया, 1 गीगा जूल है तो वो 10^9 जूल हो गया। तो यहाँ पर ना आप एक PYQ देख सकते हो, जो नीट में पूछा था, एग्जैक्ट ऐसे वैल्यू नहीं पूछा था, बट एक क्वेश्चन था ना, उसको मॉडिफाई करके हमें लास्ट में ये सॉल्व करना था। तो जहाँ पर ये एक्सपेंशन रूल मैंने बताया ना कि पावर उधर जाता है तो इन्वर्स में आता, तो वो करके कुछ ऐसा सॉल्यूशन था, यहाँ पर 27 = 5 + x² / 3/2 था, इसे हम लोग को सॉल्व करना था। तो 3/2 को आप उधर भेजोगे तो 2/3 हो जाएगा, ऐसे करके ये मेथड था, और इसका आंसर मतलब ऐसे x² = 4 आ रहा था, और x का वैल्यू 2 होगा, एंड ऑप्शन में कुछ ऐसे दिया होता कि ऑप्शन 1 है 2, ऑप्शन 2 है -2, ऑप्शन 3 है बोथ, और ऑप्शन 4 है ना। तो बहुत जन ऐसे स्टूडेंट्स थे ना जो ऑप्शन 1 मार्क करके आते, क्योंकि x = 2√4 होता है, बट क्योंकि अगर आप जैसे क्वाड्रेटिक बेसिक मैथ जिसका थोड़ा सा भी वीक होगा ना, यहाँ पे x^2 है, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक में हम लोग पढ़ते हैं ना कि x का मैक्सिमम पावर जितना है, तो उतने वैल्यूज पॉसिबल है, तो यहाँ पे +2 और -2 दोनों होगा, तो इसका आंसर बोथ होता। तो इसलिए बेसिक मैथ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके नज़रिए से। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आ जाते हैं लॉगरिथम में, ठीक है। लॉगरिथम, अब मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो इस वीडियो में कवर नहीं किया, बट मैं सिर्फ बता दूं कि अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है ना तो इंटीग्रेशन हलवा हो जाता है, और वाइस वर्सा, क्योंकि दोनों इंटरलिंक है, आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना होगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा ना, तो इंटीग्रेशन बिल्कुल ईजी रहता है। तो सेम चीज़ ना, लॉगरिथम और पावर एक दूसरे के ही रूप में इन्वर्स मतलब उल्टे एक दूसरे के, ठीक है। तो कैसे मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे पावर है कोई भी चीज़ का, जैसे मान लीजिए आप 10^2 है, ठीक है, तो उसका वैल्यू कितना आता है, 100 आता है, 10^2 है उसका वैल्यू आपका 100 आता है। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज जो मैंने पावर के स्टार्टिंग में बताया था कि जो ये होता है 10 होता है वो उसको बेस बोलते हैं, और जो ऊपर रहता है पावर में उसको पावर बोलते हैं, ठीक है, और ये जो आता है उसका वैल्यू है, ठीक है। तो 10^2 times हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, जहाँ 10 बेस है 2 पावर है, ठीक है। अब लॉगरिथम क्या है, वो एग्जैक्ट इन्वर्स ऑफ पावर है, पावर का इन्वर्स कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कोई भी, जैसे x का क्यूब का वैल्यू 64 दिया हुआ है, ठीक है, तो अब हम लोग x निकालते हैं तो क्या करते हैं, ये 3 को उधर, ये जो एक्सपेंशन रूल मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया, ये 3 को उधर भेजते हैं तो वो 1/3 हो जाता है, और √64 आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पावर जो चेंज होता है ना, मतलब यहां से वहां जाता है, तो उसी चीज़ को जब ये ऊपर का पावर जाता है तो वो इन्वर्स में आ जाता है। तो लॉगरिथम में क्या होता है ना, ये जो बेस है x, हम लोग अगर उधर भेज देंगे ना तो वो लॉगरिथम हो जाएगा, बस यही है, पावर और लॉगरिथम का यही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि अगर ये इक्वेशन आपका 4^x = 64, ठीक है, आप नॉर्मल मेथड से कैसे सॉल्व करोगे, आपको पता है 64 क्या है, 4 का क्यूब होता है, तो x = 3, ये नॉर्मल मेथड सभी को आता होगा। बट अगर ये 64 4 का क्यूब आपको पता है, लेकिन मैं ऐसे कुछ बता दूं कि कोई ऐसा डिजिट है जिसका 7-डिजिट नंबर है, उसका क्यूब क्या होगा आपको नहीं पता, तो वो निकालने के लिए हम लोग लॉगरिथम मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, ये जो 4 बेस है ना, हम इक्वल टू के उधर जाता है ना यहाँ पर, तो वो लॉग के फॉर्म में हो जाता है। अगर पावर उधर जाता है तो एक्सपेंशन रूल में इन्वर्स हो जाता है, और जो बेस जाता है ना, तो वो बेस जाके लॉग बन जाता है। तो वही आप देखिए, यहाँ पे x = log, ये जो, क्योंकि ये 4 गया तो ये log का बेस 4 होगा, और ये 64 को 4 क्यूब लिखेंगे तो
ये आगे का प्रॉपर्टी है, तो ये लॉगरिथम ये होता है। लॉग का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि एग्जैक्ट में क्या होता है, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम लोग लॉगरिथम के। जैसे देखिए, अब जो लॉग का बेस है और वैल्यू अगर सेम है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि लॉग 10 का वैल्यू 1 है, ये तो सभी को ऑलमोस्ट पता होगा कि लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट में अगर बोलूँ मैं बेस अगर 4 ले लूँ ना, तो लॉग बेस ऑफ 4 का 10 का वैल्यू 1 नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में ना बेस 10 रहता है, तो लॉग 10 ऑफ 10 का वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो बेस अगर और वैल्यू सेम रहे, अगर कुछ नहीं गिवन है तो वो 10 है बेस, ठीक है, हमारे सिलेबस में। तो लॉग बेस और वैल्यू सेम रहेगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर लॉग ऑफ कुछ वैल्यू का पावर में कुछ है, तो ये जो पावर में रहता है ना, ये लॉग के आप लेफ्ट साइड में पहले लिख सकते हो, तो लॉग एन का पावर 1, एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एन, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया। यहाँ पर कंसेप्ट 3 देखते हैं, लॉग ए मल्टीप्लाइड बाई बी। अगर ब्रैकेट में लॉग का कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो अगर आप उसको सेपरेट करोगे तो लॉग ए प्लस लॉग बी। ये सारे प्रॉपर्टीज है, देखिए कुछ कुछ आपको तो सीखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इसका एप्लीकेशन आप आगे चल के आप सारे वीडियोज में अप्लाई करोगे, ठीक है। कंसेप्ट 4 देखते हैं, लॉग ए डिवाइडेड बाई बी, तो ये लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाएगा। मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है और डिवाइड में माइनस हो जाता है। अगर ये चार प्रॉपर्टीज आपको आता है ना, आपको लॉगरिथम, मैं फिर से बता दूं, आप नीट की तैयारी करो, जेई मेंस की नहीं कर रहे हो, आपको कुछ डिटेल में नहीं चाहिए, मैथ्स हमारे सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ इतना चाहिए क्योंकि फिजिक्स के कुछ ऐसे मतलब न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, जहां आपको ये सब का यूज हो जाता है। जब आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ोगे, एटम्स पढ़ोगे ना, तो उसमें जो फर्स्ट ऑर्डर का जो हम लोग सॉल्व करते हैं ना प्रॉब्लम, तो उसमें ये लॉग का कंसेप्ट आ जाएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड का। तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, इससे ज़्यादा कोई सफिशियंट है ना। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 बेस है, जैसे कि मैंने बताया ना लॉग 10 कैसे 1 हुआ, क्योंकि बेस में 10 रहता है। तो हमारे सिलेबस में 2 बेस है, एक है लॉग बेस ई और एक है बेस 10। जैसे मैंने यहाँ पे बताया लॉग 10 ऑफ 10 1 होता है, ठीक है, और लॉग ई ऑफ ई, अगर वैल्यू और बेस सेम रहा तो 1 हो गया, ठीक है। अब दोनों का रिलेशन क्या है, बेस 10 और बेस ई का, तो लॉग ई का पावर एक्स अगर हम लोग बोलते हैं ना कोई भी नंबर का, तो वो 2.303 इंटू लॉग 10 बेस 10 का पावर एक्स हो जाता है। अब कुछ वैल्यूज जो लॉग के आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत बार होता है ना एग्जाम में दे देते हैं, बट फिर भी अगर नहीं दिए ना, तो आप ये याद कर लो, ये बेनिफिट रहेगा। लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, और ये सब कुछ नहीं गिवन है तो याद रखना बेस 10 है। लॉग 2 का वैल्यू 0.3 होता है, लॉग 3 का वैल्यू 0.47 होता है, लॉग 5 का वैल्यू 0.7 होता है, लॉग 7 का वैल्यू 0.84 होता है। रेस्ट आप निकाल लोगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लॉग, आप बोलोगे लॉग 4 का नहीं लिखा, तो लॉग 4 को आप क्या लिख सकते हो, लॉग 2 का पावर 2, और 2 को एक प्रॉपर्टी से आगे कर दोगे तो 2 लॉग 2 हो गया, और लॉग 2 का वैल्यू 0.3, तो 2 इंटू 0.3, लॉग 4 का वैल्यू 0.6 हो गया। सेम लॉग 6 मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, तो लॉग 6 आप निकाल सकते हो, लॉग 2 इंटू 3 प्रॉपर्टी करके आप बाकी निकाल सकते हो। ये 5 बस आप याद रखना, इनफैक्ट लॉग 1 तो आपको पता ही है 0, तो ये 4 बस याद रखना। इतने अच्छे से आपको समझा दिया, मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होना चाहिए, बट अगर डाउट आप लिख देना कमेंट्स में, आपको सॉल्व कर दूंगा। क्योंकि अगर आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा ना, आप मेंटली एक सही स्टेट में रहोगे कि हाँ मेरा फिजिक्स स्ट्रांग है, और उसके बाद आप सब कुछ बिल्डअप कर सकते हो। तो आगे के यहाँ पे ग्राफ्स है, ये है, तो ये सब ग्राफ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन मैं नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूंगा। ये टॉपिक जितना हो सके, मैंने कोशिश किया था कि बेसिक मैथ्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, ताकि ये जो एक शॉर्ट मिनी सीरीज होगा ना, क्योंकि सर अगर आप नॉर्मली देखोगे ना, तो वो पूरा बेसिक मैथ 25 घंटे का लेक्चर है। मैंने पूरे कंटेंट को ना आपको कोशिश किया है कि 1 घंटे में दे दूँ, वो 25 घंटे का लेक्चर 1 घंटे में दे दूँ, और कुछ मिस ना करूँ, एंड आपका रिवीजन भी हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सीरीज़ हम लोग आगे कंटिन्यू करें। अगर आपको इससे बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस हिसाब से हम लोग ये सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इसी चीज़ में कुछ और चाहिए कि ये नहीं, कुछ मैं और कुछ अच्छे वे से एक्सप्लेन कर सकूँ या कुछ और बता सकूँ, तो वो बताना, जो आपको नीड हो आप वो कमेंट पर लिख देना, हम लोग उस पर फोकस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, होप सो। एंड मैं एक चीज़ चाहते हैं, हेल्प चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स लेक्चर्स कर चुके हैं, जो वो बेसिक मैथ्स का पूरा लेक्चर्स एमआर सर के किए हैं, क्या वो अपना फीडबैक दे सकते हैं कि मेरा वीडियो कैसे, क्या मैंने सब कुछ, मेरे हिसाब से तो मैंने हर एक पॉइंट कवर किया था जो मैंने लेक्चर्स में देखा था एमआर सर के। बट स्टिल अगर कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक है, आप ज़रूर कमेंट करना, ताकि मैं उससे और इम्प्रूव कर सकूँ और बेटर कंटेंट दे सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग बेसिक मैथ्स के सेकेंड पार्ट उसमें कवर करेंगे। एंड पढ़ाई करते रहें, तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करें, अपने आप को फोकस्ड रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। टाटा, अल्लाह हाफिज़।